ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः सिद्धे जिनिन्द चंदे आयरिय उवच्छाय साहुगणे वंदिय सम्मद्दंसन चरित लद्धिं परुवेमो। आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है, उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार ग्रंथ जो है भाषा टीका लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे थे। 122 पृष्ठ पर आए हम, शायिक सम्यक्त की प्ररूपणा अपनी चल रही है और कृतकृत्य वेदक अवस्था प्राप्त होने तक का हमने प्रोसेस देखा। फिर भी अभी प्रश्न तो आ ही रहे हैं, श्रावक के शर्त आवश्यक पालन करने का क्या फल होता है? श्रावक के षट आवश्यक पालन करने का क्या फल होता है? देखो, एक तो है बाह्य क्रिया, एक है उसको पालन करने के शुभ भाव, ख्याल में आते हैं बस। तो यहाँ उसके पालन करने के जो शुभ भाव है उसका तो शुभ बंध होगा, यथा योग्य जो कर्मों का बंध होना है वो उसका फल है। हाँ, उसके साथ तत्व विचार में जुड़ता है जीव, और यदि सम्यक तो भी प्राप्त करेगा और उसकी विशुद्धि होगी तो उसका वो यथा योग्य गुणस्थान प्रकट होगा। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी प्रतिमाधारियों का यानी पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमाधारी तक का गुणस्थान पांचवा होता है? तो यदि उनके दो कषाय का चौकड़ी का अभाव होगा तो केवल बाह्य में प्रतिमा धारण की, इसलिए गुणस्थान का परिवर्तन नहीं होता। हाँ, परंतु जिसको कहेंगे वो द्रव्यलिंगी श्रावक कहेंगे हम, क्योंकि श्रावक के योग्य क्रियाएं हो रही है। ऐसा जीव यदि अंतरंग में स्थिर होकर सम्यक तो प्राप्त करता है और पांचवें गुणस्थान के योग्य विशुद्धि होती है तो मात्र बाह्य क्रियाओं के कारण वो पांचवें में गया ऐसा नहीं है। हाँ, जो पांचवें में जाने वाला है उसके बाह्य में ऐसी क्रिया होनी चाहिए, होती भी है, परंतु बाह्य क्रिया की इसलिए वो ऊपर चढ़ा ऐसा नहीं। कोई चौथे में भी जा सकता है, जितनी विशुद्धि होगी, जितनी उसके अंतरंग में स्थिरता होगी उसके अनुसार ये सब होगा। इसलिए बाह्य प्रतिमा है, इसलिए बाह्य आचरण के अनुसार हम उसके गुणस्थानों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो अंतरंग में उसके अगर सम्यक तो प्राप्त है, पांचवें गुणस्थान के योग्य कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो ही उसको हम पंचम गुणस्थानवर्ती कहेंगे। कहीं कहीं पढ़ने में आता है कि परंपरा से पुण्य का फल मोक्ष होता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। जिस पुण्य को परंपरा मोक्ष का कारण बताया है वो सम्यक दृष्टि का है, और परंपरा का अर्थ होता है उसका अभाव होकर मोक्ष की प्राप्ति होगी, वो पुण्य करने से नहीं होगी। वो पुण्य रुक जाएगा ना बाद में, जब पूर्ण रूप से अंतरंग में स्थिरता होगी। जैसे हम कहेंगे क्षपक श्रेणी चढ़ते समय, पुण्य करते करते क्षपक श्रेणी चढ़ेगा क्या? पुण्य का वो तो भी सब क्रियाएं छूट जाएगी उसकी, अंतरंग में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा, तब जाके उसको क्षपक श्रेणी चढ़ के बाद में मोक्ष प्राप्त होगा। पुण्य करने से नहीं होगा, ख्याल में आती बात? परंतु वो पूर्व पर्याय में था। जैसे आपको यहाँ कोई गहने कपड़े खरीदने हैं तो पैसे से मिलते हैं ना कि बिना पैसे से मिलते हैं? पैसा जाता है तब मिलते हैं, पैसे से मिलते हैं हम कहेंगे, पैसा जाता है तब मिलते हैं। तो यहाँ पर भी पुण्य छोड़ने से मिलेगा कि पकड़ के मिलेगा? अभी चलो अपना वो विषय नहीं है। यहाँ पर 122 पृष्ठ पर हम आए थे, हमने देखा था पहले अनंतानुबंधी का विसर्जन करने के पश्चात तीन करण परिणामों के द्वारा
जीव मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का तो संक्रमण करके नाश करता ही है। सम्यक प्रकृति का द्रव्य भी पहले 8 वर्ष प्रमाण स्थिति में आ जाता है पूरा का पूरा, उसमें भी स्थिति कांडक घात होते हैं, अनुसमयापवर्तन होता है, प्रति समय अनुभाग का घटना, और फिर वो कांडक होते होते अंतिम कांडक की अंतिम फाली खिरती है, तब उसको कृतकृत्य वेदक नाम पाया जाता है। फिर भी यहाँ भी अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक बाकी है, और इस अंतर्मूर्त में भी नीचे के एक उदयावली छोड़कर ऊपर के जो निषेक है उसमें से नीचे उदयावली में द्रव्य आता रहेगा, उसको उदीर्णा भी कहेंगे। वो सब बातें अभी भी होगी, हम उसको पढ़ते हैं पहले में। पहले 122 पृष्ठ पर आए थे हम, सेकंड लाइन में लिखा था कि करने योग्य कार्य जिसने किया ऐसा कृतकृत्य नाम इसको मिलता है। वह जीव भुज्यमान आयु के नाश से, भुज्यमान यानी जो हमारी जो भोग रहे जो वर्तमान जो आयु है, अभी कौन कर रहा था ये जीव, तो मनुष्य, कर्मभूमि का मनुष्य, करने वाला तो वही है ना, जो शुरू जिसने की है क्षपणा वो तो मनुष्य ही पर्याय में करता है, कर्मभूमि का मनुष्य ही करता है। हाँ, कृतकृत्य में मरकर, बाद में मरकर अन्यत्र चला जाता है, कृतकृत्य में मरे या क्षायिक करके मरे, क्षायिक समय दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं पूछा जाए तो चारों ही गति में पाए जाते हैं, परंतु क्षायिक सम्यक्त्व का कार्य कहाँ संपन्न होता है ये पूछेंगे हम, तो मनुष्य गति में वो कार्य हुआ है, उसका प्रस्थापक कर्मभूमि का मनुष्य होता है, तीर्थंकर या केवली शुद्ध केवली के पादमूल में। तो यहाँ कहते हैं वह जीव भुज्यमान आयु के नाश से मरण को प्राप्त होता है तो सम्यक्त्व ग्रहण के पहले जो आयु बंधी थी, क्योंकि सम्यक्त्व ग्रहण के बाद तो देवायु ही बनती है, परंतु सम्यक्त्व नहीं हुआ था उसके पहले तो कोई भी आयु बन सकती है चारों आयु में से, तो जो आयु बंधी थी उसके वश से चारों गतियों में उत्पन्न होता है। वहाँ कृतकृत्य वेदक काल के एक एक अंतर्मूर्त मात्र 4 भाग करते हैं, यानी यहाँ कृतकृत्य वेदक काल जो है उसके 4 भाग करके समझाएंगे। वहाँ प्रथम भाग में मरे तो देवही में क्या उपजते हैं, यानी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि अभी अभी अनिवृत्तिकरण समाप्त हुआ है, अभी उसकी जो कुछ शुभ लेशा में ही ये कार्य हुआ था, तो अभी उसकी शुभ लेशा है, उस शुभ लेशा में ही मरकर देव में जाता है। अब ये सम्यक दृष्टि है, देव में जा रहा है, तो नीचे के देवों में पीत लेशा होती है, बीच वाले में पद्म लेशा होती है, ऊपर की शुक्ल लेशा होती है। जिस स्वर्ग संबंधी आयु होती है वहाँ की जो लेशा है उसी लेशा में इसका मरण होगा, ये सहज रूप से वही लेशा हो जाती है जो ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले हैं, जो शुक्ल लेशा वालों में, तो उसकी शुक्ल लेशा में ही सारा कार्य हुआ था और उसकी शुक्ल लेशा ही अभी है ऐसा हम कहेंगे। जो सौधर्म ईशान में उत्पन्न होने वाला होगा कोई क्षायिक समय दृष्टि, तो उसके वैसी लेशा हो जाएगी। इसलिए पहले भाग में मरने वाले तो देव में ही जाएंगे, क्योंकि पहले भाग में तो अभी अनिवृत्तिकरण समाप्त हुआ है, अभी उसके शुभ लेशा पलट कर अशुभ में नहीं जाएगी अभी, तो देव में जाने वाला यहाँ मर सकता है। अभी देव में जाने वाला आगे भी मर सकता है, परंतु देव में जाने वाली की लेशा पीत पद में या शुक्ल जहाँ वो उत्पन्न होने वाला है उस लेशा में उसका मरण होता है। आपका कहना है केवली के पादमूल में थोड़े ही मरे, वो मरण नहीं होता है ना, केवली के पादमूल में मरण नहीं होता ऐसा हमने सुना भी है ना, यही कहना चाहते हैं ना आपके। तो उसका भी अंतर्मूर्त है ना, वहाँ जाते होगे बाहर क्या पता। तो यहाँ क्या कहते हैं, शुद्ध केवली बाहर भी होते हैं, शुद्ध केवली तो बाहर भी होते हैं, हाँ, और अन्य केवली भी बाहर भी हो सकते हैं, केवल उनकी उपस्थिति की बात है। बात सही है आपकी, यानी जिसका अभी देखो
जो सम्यक्त्व सहित यानी अभी क्षायिक समय दृष्टि भले हो, भोग भूमि में जो सम्यक्त्व सहित उत्पन्न होता है, या तो क्षायिक है या कृतकृत्य वेदक है, वो भोग भूमि का मनुष्य हो या तिर्यंच हो, वहाँ जन्म होता है तो कपोतलेशा में ही जन्मेगा। पहले नरक में जन्मने वाला भी कपोतलेशा में ही जन्मता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रथम भाग में मरे तो देव ही में, दूसरे भाग में मरे तो देव व मनुष्य में, तीसरे भाग में मरे तो देव मनुष्य और तिर्यंच में, यानी देव में जाने वाला तो कहीं पर भी मर सकता है, मनुष्य दूसरे तीसरे या चौथे भाग में मरेगा, तिर्यंच तीसरे या चौथे भाग में मरेगा, और नरक में जाने वाला चौथा भाग में मरेगा, ये कहना चाहते हैं। फिर से, प्रथम भाग में मरे तो देव ही में, दूसरे भाग में मरे तो देव व मनुष्य में, तीसरे भाग में मरे तो देव मनुष्य तिर्यंच में, और चौथे भाग में मरे तो चारों गतियों में उपजते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हीं में उपजने योग्य परिणाम होते हैं। जहाँ उपजना है वही लेशा इसकी मरण के समय में पाई जाती है। इस क्रम से कृतकृत्य वेदक की उत्पत्ति जानना, अब यहीं पर ये बात लिखी है बोर्ड पर, कृतकृत्य वेदक समय दृष्टि हुआ, पहले भाग में मरकर देव ही होता है, उसकी लेशा शुभ है, जहाँ यथायोग्य उत्पन्न होना है उस लेशा में उसका मरण हो जाएगा। दूसरे भाग में मरकर देव या भोग भूमि का मनुष्य होता है, क्योंकि अभी इसने क्षायिक किया है और कर्मभूमि का जीव है, तो कर्मभूमि का जीव सम्यक्त्व लेकर कर्मभूमि में डायरेक्ट उत्पन्न नहीं होगा, भोग भूमि में उत्पन्न हो सकता है। कंडीशन क्या है, या कृतकृत्य होगा या क्षायिक होगा, नहीं तो वो मिथ्यात्व सहित वहाँ चला जाएगा। तीसरे भाग में मरकर देव हो सकता है, भोग भूमि का मनुष्य हो सकता है, या भोग भूमि का तिर्यंच हो सकता है, यानी कृतकृत्य वेदक की बात यहाँ चल रही है। क्षायिक होने पर भी बात है, वो तो क्षायिक होने के बाद तो कभी भी मर सकता है, उसकी आयु जब पूरी हो गई तब। ये उन्होंने पूर्व यानी पूर्व में ने सम्यक तो होने के पहले, क्योंकि मनुष्य जो है सम्यक तो होने के बाद यदि आयु बांधता है तो देव की ही बांधता है, बाकी तो बंधे विच्छुति हुई उसकी है ना, हमने पहले देखा था। इसलिए वो भोग भूमि की आयु कभी बांधी होगी, मिथ्यात्व अवस्था में, परंतु बाद में क्षायिक कर लिया, तब क्षायिक लेकर क्षमी क्षायिक सम्यक्त के साथ या कृतकृत्य वेदक के साथ वहाँ जन्म लेगा। और चौथे भाग में मरकर देव में भी जा सकता है, भोग भूमि का मनुष्य भी हो सकता है, भोग भूमि का तिर्यंच भी हो सकता है, जहाँ की आयु बांधी वहाँ चला जाएगा, और प्रथम नरक का नारकी होता है। जैसे श्रेणिक राजा ने, वो तो क्षायिक होकर चले गए, पर ऐसे कितने ही जीव है जो कृतकृत्य अवस्था में वहाँ उत्पन्न होते हैं, और वो जो अंतर्मूर्त है वो अंतर्मूर्त में वहाँ उनकी वो क्षपणा का कार्य पूरा हो जाता है, क्षपणा पूरी होती है, वो क्षायिक समय दृष्टि वहाँ जाके होता है। जब तक क्षायिक नहीं हुआ यानी पूरा नहीं हुआ, तब तक उसको हम कृतकृत्य वेदक कहेंगे, और सारे ही सम्यक प्रकृति नष्ट हो जाएगी तब हम उसको कहेंगे क्षायिक समय दृष्टि। यही बात यहाँ लिखी है, देखो ये 147 की टीका देखो, अधकरण के प्रथम समय में, यानी जब तीन करण परिणाम मान लेते तब की बात है, दर्शन मोह क्षपणा के प्रारंभक जीव के पीत पद्म या शुक्ल जो लेशा होती है, वह प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता के क्रम से अनिवृत्तिकरण के अंत समय में उस लेशा का उत्कृष्ट अंश संपूर्ण होता है। बोले पीत में शुरुआत की तो वो उसके अंश बढ़ते 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 उत्कृष्ट अंश तक पहुँचाएगा, उसके अनंतर यानी पश्चात कृतकृत्य वेदक काल के प्रथम भाग में मरे तो लेशा पलटती ही नहीं, क्योंकि यहाँ मरकर देव ही में उपजना है, तो जिस देव में जिस स्वर्ग में उत्पन्न होना है उसकी जो लेशा है उस लेशा में इसका मरण हो जाएगा। ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध से वैसे ही भाव वैसे ही लेशा हो जाती है। यदि दूसरे तीसरे चौथे भाग में मरे तो शुभ लेशा की क्रम से हानि होकर
मरण समय कपोतलेशा का जघन्य अंश होता है, क्योंकि द्वितीय भाग में मरकर भोग भूमि या मनुष्य भी होता है, ये तो अभी हमने जो पढ़ा ना वही बात है। तीसरे भाग में मरकर भोग भूमि या मनुष्य या तिर्यंच भी होता है। चौथे भाग में मरकर जिसके नरकायु बंदी हो वह जीव प्रथम नारक पृथ्वी में भी उपजता है। यदि देवगति में ही उपजना हो तो उसके चारों ही भागों में लेशा का पलटना नहीं होता, यानी उसकी अशुभ लेशा नहीं होगी, इतनी बात है। क्योंकि कोई अशुभ लेशा के साथ देव में, अभी समय दृष्टि की बात है, सौधर्म से के ऊपर की बात है, उत्पन्न नहीं होगा। जो भवनत्रिक में उत्पन्न होने वाले मिथ्या दृष्टि है वही अशुभ लेशा में उत्पन्न होते हैं। बाकी देवों में भले वो मिथ्या दृष्टि भी देव सौधर्म में या ऊपर कहीं उत्पन्न होते हैं तो वहाँ वहाँ की पीत पद में या शुक्ल लेशा में उत्पन्न होते हैं। अभी लेशा का प्रकरण अलग है परंतु वो नियम है। हाँ, आयु भी उसी लेशा के मध्यम अंश में बंधी थी, अब यहाँ जहाँ उत्पन्न होना है उसी लेशा में मरण भी होगा। ये सहज ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। बीच में लेशा भले वो शुभ अशुभ हो जाए कुछ नहीं बात, परंतु मरण के समय वो निश्चित उसी लेशा में आकर मरेगा। ना ना ना, आयु को नहीं घटाएगा यहाँ पर। यहाँ तो कृतकृत्य वेदक में जो पहले ने जिसने आयु बांध कर जो आया है उतनी आयु उसकी यहाँ पर पूरी हो जाती है तो मरण हो सकता है उसको। यहाँ कोई कदली घात वगैरह की बात यहाँ नहीं है। अगली आयु को कैसे घटाएगा यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होता। इस अवस्था में घटाना नहीं होगा। यदि देवगति में ही उपजना हो, ये तो हो गए हमने पढ़ा। इस प्रकार कृतकृत्य वेदक काल में मरण होने की अपेक्षा कथन किया, पुनश्च यदि वहाँ मरण न हो और पहले चारों गतियों में से किसी गति संबंधी आयु बंधी हो उसके क्षायिक सम्यक तो होने के पश्चात, यानी क्षायिक यहीं पर वह पूरा हो गया मनुष्य में ही, और पश्चात मरण के समय गति के अनुसार लेशाओं का पलटना जानना, यानी उसने वो कृतकृत्य वेदक में से क्षायिक का प्रोसेस हो गया यहीं पर पूर्णता हो गई और फिर बाद में मरकर जहाँ उपजना है उसके अनुसार उस लेशा में जाकर उसका मरण हो जाता है। अब यहाँ कहते हैं, यहाँ जो अनुभाग का अपवर्तन बताया था, 8 वर्ष की स्थिति शेष रही थी, प्रति समय अनुभाग का घटना बताया था। अब यहाँ अनिवृत्तिकरण तो पूरा हुआ, स्थिति कांडक घात तो रुक गए हैं, तो अनुभाग का प्रति समय घटना यहाँ पर भी अभी चालू है। क्यों? क्योंकि भले अनिवृत्तिकरण काल समाप्त हुआ है परंतु इसकी जो विशुद्धि है ना वो अभी भी, उसके जो करण परिणामों के जो विशुद्धि के संस्कार है वो यहाँ पर भी चल रहे थे और वो संस्कार के बल से यहाँ पर भी प्रति समय अनुभाग का घटना अब भी चालू है, यानी अनुभाग घट घट कर ही उदय में आ रहा है। सम्यक प्रकृति का अनुभाग घटते हुए प्रति समय वो घट कर उदय में आता है, यही बात यहाँ आगे बताए है 148 में। अनिवृत्तिकरण काल का संख्यात्वा भाग अवशेष रहने पर जैसे दर्शन मुह के अनुभाग कांडक घात को समाप्त कर प्रति समय अनंत गुणा घटते क्रम से अनुभाग का अपवर्तन कहा था, जो 8 वर्ष की स्थिति रही थी तब से ये बात हुई थी और उसको अनुसमयापवर्तन कहते थे, वही यानी वैसा ही अनुसमयापवर्तन इस कृतकृत्य वेदक काल के अंत समय तक पाया जाता है, क्योंकि करण परिणामों की विशुद्धता के संस्कार का अवशेष यहाँ पाया जाता है, यानी अब भी यहाँ वही विशुद्धि यहाँ ऐसी थोड़ी चलती रहती है। इस कृतकृत्य वेदक के काल में जब तक एक समय अधिक उच्चिष्टावली अवशेष रहे तब तक प्रति समय असंख्यात गुणा क्रम से असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा पाई जाती है। अब इसमें कितना अवशेष है काल कृतकृत्य वेदक का अंतर्मूर्त प्रमाण,
अब यहाँ कांडघात होने का कोई सवाल नहीं है, ना ही यहाँ कोई गुणश्रेणी की रचना होगी, क्योंकि गुणश्रेणी वगैरह की कार्य तो उसमें अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण में हुए थे। अब यहाँ पर क्या होता है, जितने अंतर्मूर्त निषेक है उसमें से जो आवली प्रमाण निषेक है उसमें ऊपर के जो निषेक है उसमें से कुछ ना कुछ द्रव्य नीचे आता रहता है और उन निषेकों में आता रहेगा, उसको कहेंगे उदीर्णा। ये उदीर्णा का काल कब तक चलेगा कार्य, आवली में ऊपर एक निषेक भी रह गया तो भी उसमें से उदीर्णा होगी, नहीं समझे? आवली के 16 निषेक मान लो, और मान लेते ऊपर 100 समयों तक के निषेक पड़े हैं, तो 16 समय को छोड़कर 17 से लेकर 100 तक के जो निषेक है उनमें से प्रति समय उदीर्णा हो रही है। उदीर्णा होकर पूरे आवली में नहीं जाएगी, पहले तो हमने देखा था वो नीचे के अपने अस्थि स्थापन छोड़कर जो आती है, अभी वो सारा रूल इधर भी समझ लेना। तो ये उदयावली में आकर मिलेंगे निषेक, वो कैसे मिलेंगे, पहले समय में जितनी उदीर्णा होती है, दूसरे समय में असंख्यात गुना, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुना, चौथे समय में उसके असंख्यात गुना, यही लिखा है। असंख्यात गुणा क्रम से असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है, क्योंकि ये कृतकृत्य वेदक के जो निषेक है वो पूर्व में वो गुणश्रेणी रूप से थे, उसमें तो एक एक निषेक बहुत बड़ा है, उसमें भी और उदीर्णा हो रही है। हाँ, जितना निषेक बड़ा है उतना उदीर्णा द्रव्य नहीं है, क्योंकि निषेक बहुत बड़ा है, फिर भी असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा हो रही है, तो वो निषेक और कितना बड़ा होगा। तो ये सब खिरने लगता है। तो ये उदीर्णा कब तक चलेगी, जब आवली प्लस एक निषेक बाकी है तब तक चलेगी। जब वो भी खिर गया तो क्या होगा, आवली मात्र निषेक बाकी रहेगी, जिसको हम कहेंगे उच्चिष्ट आवली। अब आगे बढ़ते हैं। यही बात ये सारी बताई है, वहाँ कितना असंख्यात गुणा वगैरह देता है। अब यहाँ आना है आपको पृष्ठ संख्या 125 पर। यानी ये जो कृतकृत्य वेदक काल जब शुरू हुआ वहाँ अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक शेष थे, उसमें से आवली को छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों में से उदीर्णा होकर द्रव्य आता रहा। कब तक, जब तक एक समय अधिक आवली रही तब तक, यही वही बता रहे हैं यहाँ पर। कृतकृत्य वेदक काल में एक समय अधिक आवली अवशेष रहने पर पहले अपकर्षण किए हुए द्रव्य से असंख्यात गुणा द्रव्य को, क्योंकि हर समय असंख्यात गुणा अपकर्षण किया था, स्थिति का अंत जो उदयावली के ऊपरवर्ती एक निषेक उसमें से अपकर्षण करके, हम मान लेते हैं कि 16 समय की आवली है तो ये 17वें निषेक की बात है, इसके पहले जितना द्रव्य अपकर्षित किया था उससे भी असंख्यात गुणा द्रव्य इस 17वें निषेक में से लेकर नीचे पूरे आवली में दिया जाएगा कि तो नहीं, हमने पहले हिसाब लगाया था 16 में से एक माइनस करो 15 हुए, उसका 2/3 करो 10 आए, वो 10 में नहीं दिया जाएगा, तो जो हमने बाजू निकाला था एक वो 5 में मिला दो 6 में मिल जाएगा। तो ये 17वें निषेक का द्रव्य नीचे के 6 में, ये हमने काल्पनिक संख्या लिए हो, हाँ। एक समय कम आवली के 2/3 भाग में निषेकों को अतिस्थापना रूप रख कर उसके नीचे एक समय अधिक आवली के त्रिभाग मात्र निषेकों में देता है। यानी हमारे हिसाब से 17वें निषेक के परमाणु आवली में नीचे के 6 निषेकों में दिए जाएंगे। यह ही लास्ट, उसकी इस पैराग्राफ की लास्ट लाइन, यह ही उत्कृष्ट उदीर्णा है, क्योंकि यहाँ जिसमें से उदीर्णा होने वाला है वो निषेक भी कितना प्रचंड बड़ा है और वो भी असंख्यात गुना असंख्यात गुना मैक्सिमम यहाँ हो रही है, तो ये उत्कृष्ट उदीर्णा है, इससे अधिक उदीर्णा का द्रव्य नहीं है, ये यहाँ कहना चाहते। इस तरह अनुभाग का तो अनुसमयापवर्तन करके, क्योंकि अनुभाग में प्रति समय अनुभाग का घटना चल ही रहा था, भले अनिवृत्तिकरण समाप्त हुआ है फिर भी विशुद्धि यहाँ इतनी है
कि प्रति समय अनुभाग का घटना चालू ही था, और कर्म परमाणुओं की उदीर्णा करके, ये उदीर्णा कब तक है, आवली प्लस ऊपर का एक निषेक है तब तक, कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि की शेष रही सम्यक तो मोहनी की अंतर्मूर्त स्थिति में से उच्चिष्ठावली बिना जो सर्वस्थिति है, यानी अभी आवली को छोड़कर ऊपर की जितनी उसके निषेक थे, वह प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के सर्वथा नाश सहित, यानी अभी क्या हुआ, ऊपर की स्थिति सर्वथा नाश हुई, अभी कितनी स्थिति शेष रही, आवली मात्र, जो एक एक निषेक का एक एक समय में उदय रूप होकर खिरना, अभी एक एक निषेक एक एक समय में उदय रूप होकर खिर रहा, अभी यहाँ उदीर्णा होने का भी सवाल नहीं है, जो निषेक जितना है उतना ही रहा है वहाँ पर, उसके द्वारा ये सब नष्ट होती है। उसके अनंतर समय में उच्चिष्टावली मात्र स्थिति अवशेष रहने पर उदीर्णा का भी अभाव हुआ, पहले तो उदीर्णा तो हो रही थी, अब उदीर्णा भी मिट गई, केवल अनुभाग का अपवर्तन है, यानी उदयावली प्रमाण निषेक शेष है, लास्ट उच्चिष्ठावली जिसको कहेंगे, अब उदीर्णा तो नहीं हो रही है, फिर भी प्रति समय अनुभाग का घटना चालू है, वह पहले कहे हुए अनुभाग के अपवर्तन से इसका अन्य लक्षण है। उदय रूप प्रथम समय से लेकर प्रति समय अनंत गुणा क्रम से वर्तता है, उसके द्वारा प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेशों के सर्वथा नाश पूर्वक प्रति समय उदयावली के एक एक निषेक को गलाकर, उच्चिष्टावली के एक एक निषेक को गलाकर, ये जो उदयावली रूप जो है वो अंतिम है, इसलिए उसी को यहाँ उच्चिष्टावली भी कह रहे, तो उसका एक एक निषेक गलाकर निर्जरा रूप करके करके अनंतर समय में जीव क्षायिक समय दृष्टि होता है, तो इस तरह से ये क्षायिक समय तो यहाँ प्राप्त करता है। मनुष्य भव में कोई करेगा, या कृतकृत्य में अवस्था में मरकर अन्य गति में गया होगा, तो ये कृतकृत्य करने का काम भी वहाँ पर हो जाएगा। अब ऐसा क्षायिक समय तो यानी दर्शन मोह की सपना जो जीव करता है, तो जैसे हमने कहा 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते, आपने सुना है, ऐसे ही 6 महीने और 8 समय में 608 जीव दर्शन मौखिक सपना करते ही है, ये नियम है, हमने पढ़ा था ना महाबंध में, हमने पढ़ा था, हाँ करेंगे, उसमें ये संपन्नता हो जाएगी, वहाँ तो केवल मोक्ष जाना है, परंतु 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को क्षायिक समय तो हो जाएगा। अब जहाँ उसके योग्य जहाँ शुरू में शुरुआत करना है वो सब बात हो जाएगी, वहाँ वो एग्जैक्ट वैसा रूल नहीं लगाना, 8 समय में 608 जीव हो जाएंगे ये नहीं लगाना, उसके जो यथा योग्य अंतर्मूर्त होगा उतने में तो हो ही जाएगा उसका। प्रथम ऑप्शन सम्यक में केवल हम अंतर देख सकते हैं, यानी एट ए टाइम कितने जीव कर सकते हैं, तो आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, प्रथम ऑप्शन जीव एट ए टाइम कितने जीव कर सकते हैं, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण एट ए टाइम कर सकते हैं, फिर उसमें कुछ गैप भी होगी, क्योंकि लगातार हर समय कोई करता रहे ऐसा तो नहीं होता है, समझ में आई बात, ऐसा भी हो सकता है एक भी जीव न करे कितने ही काल तक, फिर भी उसमें उत्कृष्ट अंतर कितना होता है, तो 7 दिन और रात के बाद कोई ना कोई जीव पहले गुणस्थान से चौथे में तो जाएगा ही जाएगा, ये उसका उत्कृष्ट अंतर होता है, यानी प्रथम ऑप्शन प्राप्त करने वाले में इतना उत्कृष्ट अंतर हो सकता है। जैसे हमने वहाँ देखा 6 महीने और 8 समय में इतने जीव तो नियम से क्षायिक हो जाते। देखो हम जो अभी तो देखते हैं कि मनुष्यों में क्षायिक समय दृष्टि कितने होते हैं, मनुष्यों में संख्यात हो गए, करने वाले भी संख्यात, क्योंकि अभी हमने 608 गए थे, हो सकता है कि भी देव में गए नरक में गए या कहीं गए और फिर वहाँ से आने वाले, तो वहाँ से मरकर मनुष्यों में आने वाले भी संख्यात ही हो गए।
असंख्यात तो पर्याप्त तो मनुष्य ही नहीं है, तो क्षायिक समय दृष्टि कहाँ से हो गए? परंतु यहाँ से क्षायिक यानी जिसने नरकायु बांधी है, ऐसे जीव अभी नरक में पड़े हैं क्षायिक सम्यक्त के साथ, पहले नरक में। कितने जीव है? तो कहते असंख्यात। असंख्यात कैसे? हर 6 महीने 8 समय में 2-4-5 जाएंगे, मतलब वहाँ की आयु कितनी है? सागर की है। तो उतने काल में संचय की अपेक्षा हर 6 महीने में मान लेते 2-4 भी गए तो वहाँ असंख्यात जीव हो जाते। प्रत्येक स्वर्ग में सौधर्म से लेकर ऊपर तक सर्वार्थ सिद्धि में तो केवल संख्यात ही जीव होते हैं, वहाँ पर भी क्षायिक समय दृष्टि हर जगह असंख्यात है। भोग भूमि में तिर्यंचक क्षायिक समय दृष्टि कितने हैं? वहाँ पर भी 3 पल्ले की आयु है, वहाँ पर भी असंख्यात है। और मनुष्य संख्यात ही होते हैं। भोग भूमि कर्म भूमि सबके मिलकर मनुष्यों की संख्या तो संख्यात ही होते हैं। मनुष्यों को असंख्यात मत कहो वहाँ पर भी। मनुष्यों में एक क्षायिक समय दृष्टि संख्यात है, बाकी तीनों ही गतियों के क्षायिक समय दृष्टियों की संख्या असंख्यात है। हमने ये भी देखा एक बार क्षायिक समय तो हो जाता है तो या तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, या देव का या नरक का एक भाव करके फिर मनुष्य होकर मोक्ष जाता है, या जो भोग भूमि में गया है वो भोग भूमि का फिर देव का और फिर मनुष्य का भाव करके मोक्ष चला ही जाता है, उससे अधिक उसका काल नहीं है। यानी क्षायिक होने के बाद संसार में रहने का अधिक से अधिक काल कितना होगा किसी जीव का? हाँ, 3 पल्ले। आप क्या कहते हैं? आप भवों की संख्या गिन रहे हैं, हम काल पूछ रहे हैं। बोलो। 33 सागर, साधिक 33 सागर। देखो, किसी जीव ने यहाँ क्षायिक समय तो प्राप्त किया तो पहले भव की जिस स्वभाव में किया वो करोड़ पूर्व की आयु वाला लेते हैं, तो क्षायिक समय तो प्राप्त किया तो 8 साल के बाद कर दिया तो पूर्व कोटि में से वो ही माइनस कर दो तो आगे के सभी पूर्व कोटि कुछ कम यहाँ की आयु, 33 सागर सर्वार्थ सिद्धि की आयु, और फिर करोड़ पूर्व में जन्म ऐसा लेते हैं तो वहाँ की, वहाँ तो क्षायिक समय दृष्टि ही रहना है, उसमें कुछ कम मत करो अभी, क्योंकि क्षायिक समय तो होता है अब अनंत काल तक क्षायिक समय तो रहेगा। क्यों? सिद्ध होगा तो अभी क्षायिक समय ही रहेगा। हाँ, संसार अवस्था में रहने का काल कितना है पूछेंगे तो 37 सागर कहेंगे। उसके गुणस्थान कौन से है? गुणस्थान 4 से 14 में आती है तो सिद्ध अवस्था। संसार अवस्था में क्षायिक समित्व का अधिक से अधिक काल कितना है ऐसा पूछेंगे तो 37 सागर। हाँ, क्षायिक लब्धि, इसको जघन्य क्षायिक लब्धि कहा है, क्षायिक समाप्ति है उसके जघन्य क्षायिक लब्धि है ऐसा कहने में आता है। उत्कृष्ट क्षायिक लब्धि तो केवल ज्ञान की। हाँ हाँ, कुछ कम 2 करोड़ पूर्व क्योंकि पश्चात वाला करोड़ पूर्व तो पूरा आया और पहले पूर्व कोटि में से कुछ कम कर दिया और वो सागर है उसको साधिक करेंगे क्योंकि हाँ, आपका प्रश्न है भोग भूमि की 3 पल्ले की आयु नहीं ली, भोग भूमि में दृष्टि मात्र सौधर्म ईशान में ही जाता है और वहाँ की आयु तो 2 सागर की ही है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3 प्लस 2 सागर ऊपर वो कोटि। और बात होते करें प्रश्न है, पूछना जरूर पूछना। तो यानी ये हाँ, हमने पहले बताया था दूसरे नरक के जो जीव है या जो अन्य भी जो वेदक समय दृष्टि है तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे हैं उनके लिए एक शायद होने के लिए करके की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयमेव क्षायिक हो जाते। हाँ, तो हमने यहाँ देखा क्षायिक समय की बात।
भूमि में कृतक के साथ जा सकता है, शोषम सम्यक्त्व के साथ कोई नहीं उत्पन्न होगा, वहाँ जाने के बाद एक शोषम उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन भी, प्रथम ऑप्शन भी हो सकता है, शोषम भी हो सकता है, ख्याल में आई ना। तो मेरा एक प्रश्न है, भूभूमि के तीर्यंचों में तो क्षायिक सम्यक्त्व, यानी क्षायिक करके वहाँ गए हैं, तो क्षायिक सम्यक्त्व के मनुष्यों में गुणवान कौन कौन से हमने 4 से 14, देवों में चौथा, नारी में चौथा, तीर्यंचों में देखो क्षायिक सम्यक्त्व तीर्यंच भूभूमि में भी हो सकता है, और भोगभूमि में चौथे से ऊपर गुणस्थान होता नहीं है, तीर्यंचों में पांचवा गुणस्थान हो सकता है, वो प्रथम ऑप्शन सहित होगा या वेदक सहित होगा, क्षायिक सहित पांचवा गुणस्थान तीर्यंचों में नहीं हो सकता, ख्याल में है ना, क्योंकि जो यहाँ से ले गया है, क्योंकि तीर्यंच आयु बांधी थी, वो भोगभूमि का क्षायिक समृष्टि तीर्यंच है, वहाँ गुणस्थान चौथे के ऊपर कोई जाता ही नहीं है, जन्म से किसी को तीर्यंच को तो सम्यक्त्व है, जन्म से सम्यक दृष्टि तीर्यंच मात्र क्षायिक ही होना चाहिए, एक कंडीशन, वहाँ आने के बाद तीर्यंच में जन्म लेने के बाद कोई सम्मूर्छन तीर्यंच तो अंतर्मूर्त में पांचवा गुणस्थान प्रकट कर सकता है, वो वेदक सम्यक्त होगा, क्षायिक नहीं, क्षायिक की यहाँ बात चल रही है, क्षायिक के लिए भूमि की ही बात होती है। तो हमने अभी तक ऑप्शन सम्यक्त देखा, वेदक सम्यक्त देखा, क्षायिक सम्यक्त देखा, प्रथम ऑप्शन, द्वितीय ऑप्शन, ये सांतर मार्गणा, सांतर मार्गणा का अर्थ ख्याल में आता है ना, ऐसा हो सकता है कि उसमें एक भी जीव न हो, समय दृष्टि जीव हमेशा ही इस विश्व में पाए जाएंगे, क्षायिक दृष्टि भी असंख्यात है, उससे भी असंख्यात गुणे जीव वेदक समय, बराबर है। अभी जो प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व वाले चारों गतियों में पाए जाते हैं, द्वितीय ऑप्शन वाले मुनिराज है, हाँ, परंतु वो द्वितीय ऑप्शन के बाद मर में जाते हैं, उस अपेक्षा देवों में अपर में ऑप्शन सम्यक्त्व तो पाया जाता है, करने वाले नहीं, वो उसमें मरकर जाने वाले हैं। क्षायिक सम्यक्त्व कहाँ कहाँ होगा, उसके प्रस्थापक जो है, बिगिनिंग करने वाले मात्र मनुष्य में ही, कर्मभूमि के मनुष्य ही होते हैं प्रस्थापक, और निष्ठापक चारों गति में है। अब जब क्षायिक समय दृष्टि भले असंख्यात हो, पर प्रस्थापक और निष्ठापक कितने हो गए, संख्यात ही हो गए ना, क्योंकि करने वाले मनुष्य है और मरकर जाने वाले भी मनुष्य है, नहीं समझे, फिर से क्षायिक समय दृष्टि, मैंने क्या पूछा, टोटल क्षायिक समय दृष्टि कितने, तो हम कहेंगे असंख्यात है, परंतु क्षायिक समय दर्शन जो शुरुआत करते हैं प्रस्थापक, और जो निष्ठापक यानी समाप्त, कृतकृत्य वेदक पूर्ण किया, या तो मनुष्य में जहाँ है वहीं पर करेंगे या मरकर अन्य गति में करेंगे, तो वो कितने जीव हो गए, कैसे, चारे गति में जाएंगे, कौन जाएंगे, मनुष्य जाएंगे कि और कौन जाएंगे, नहीं समझे, निष्ठापक तो अंतर्मूर्त में हो जाते हैं, मनुष्य में से मरकर गए हैं, कितने मनुष्य मरेंगे, क्षायिक सम्यक्त्व में कृतकृत्य हुए हैं तो संख्यात जीव है, तो मरने वाले भी संख्यात हो गए, जो मरे हैं वहीं जाके वो निष्ठापक हो गए, यानी प्रस्थापक भी और निष्ठापक भी संख्यात हैं, निष्ठापक होने के बाद वहाँ संचय होते रहे देवों में या नरकों में या यहाँ पर, तो वो असंख्यात उनकी संख्या होती है, क्योंकि हर 6 महीने में इतने इतने जीव हो रहे हैं, तो वो तो वहाँ सागरों की आयु है, तो वहाँ उनके संचय हो जाएगा, उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी, परंतु यहाँ मनुष्यों में ऑलवेज वो संख्यात ही होंगे।
गुण संक्रमण हमने देखा अनंतानुबंधी का हुआ था, अनंतानुबंधी की विषय योजना में गुण संक्रमण होकर वो पलट गए थे, किसमें? अप्रत्यक्षनादि रूप जो वहाँ बंधे योग्य उसमें। अब यह दर्शन मौखिक सपना में भी हुआ था गुण संक्रमण, किसका किसमें? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का, वो जो हमने देखा था। श्रेणी में भी होता है, श्रेणी में तो गुण संक्रमण जो होता है श्रेणी में कहाँ होता है? जहाँ क्षपणा का कार्य हुआ। पूरी क्षपक श्रेणी में संक्रमण से ही तो नष्ट होता है सारा जो है, नो कषाय का द्रव्य वो कषाय क्रोध में जाएगा, क्रोध का द्रव्य वो मान में जाएगा, मान का द्रव्य है वो माया में जाएगा, माया का द्रव्य लोभ में जाएगा, सारा गुण संक्रमण से ही जाएगा। अन्य भी होगा ना, जिसका बंध नहीं उसका अन्य प्रकृति में संक्रमित होता है, हमने देखा था, इसमें एक उदाहरण दिया था असाता वेदनी का साता वेदनी में वगैरह वगैरह, यथा योग्य जो श्रेणी के जो है ना वहाँ पर उसकी चर्चा आती है। बाकी तो उस हाँ उसके अंदर हमने ये देखा कि सम्यक दृष्टि से श्रावक की निद्रा ज्यादा होती है, इससे ज्यादा छक्के सापे गुण स्थान मध्य विराज की होती है। फिर हमने आगे क्रम में ये देखा कि अगर दर्शन मुखी क्षपणा वाले की ने अनंतानुबंधी के विषय योजक देखे बीच में, अनंतानुबंधी की विषय योजना वाला और फिर दर्शन मुखी की दर्शन मुखी क्षपणा वाला। तो प्रश्न ये है कि छठे सातवें गुण स्थान मध्य मुनिराज की अपेक्षा चौथे गुण स्थान वाला जो दर्शन करता है तो उसकी निद्रा अधिक होगी। बिल्कुल हाँ, उसके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर उसकी निद्रा अधिक है का अर्थ ये होगा कि छठे सातवें गुण स्थान पर मुनिराज से चौथे गुण स्थान वाला अगर ग्रह है तो भी उसकी विशुद्धि ज्यादा है, ऐसा ले उस काल में जब इनका प्रश्न ऐसा है। हमने जो तीन स्थान पहले कौन सा है? सम्यक दर्श सम्यक ने प्रथम ऑप्शन सम्यक की बात है, तो प्रथम ऑप्शन से मध्य में गया उससे भी पांचवें आने वाले की शुद्धि ज़्यादा है, वो से नहीं लिया मध्य भी और उससे भी जो सकल नियमी होगी निर्जरा ज़्यादा है। तो डायरेक्ट जब प्रथम सम्यक तो चौथे से पांचवे की पांचवे से मुनिराज ज़्यादा, ये तो ऐसा भी हो सकता है कि वेद तो कैसे ही पांचवे में गया है, तो पांचवे में गया सम्यक तो अपूर्वकरण में तो कोई उसके नहीं हुई, पाने के बाद वहां गुण श्रेणी आरंभ जो निर्जरा होगी तो इतनी ज्यादा नहीं है। कोई सकल संयमी बना तो सकल संयमियों की श्रेणी वो इतनी नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी की विचार करता है तो एक पूरी प्रकृति सत्ता में होती है तो उसको विशुद्धि बहुत तीन नामों में वहां जहां जहां जो है ना के जो करण है संख्यात संख्यात गुणी जरा है क्योंकि उनके के आयत छोटे है उसमें ज्यादा है, इसलिए मुनि से जो को ज्यादा कही उससे भी मुनि के को ज्यादा क्योंकि वो प्रकृति की जरा हो रही है। विशुद्धि के विशुद्धि कारण परिणाम विशुद्धि तीन परिणाम है कंपैरिजन गुण श्रेणी वह पहले ही बता प्रथम ऑप्शन प्राप्त करते उससे भी आने वाली जो गुण श्रेणी है वो श्रेणी प्रसिद्ध द्रव्य उनकी गुण निर्जरा बंदी की में अनंतानुबंधी तो जाता है गुण श्रेणी स्वर निर्जरा नहीं क्योंकि से दूसरा करण हमने देखा
छठे साथ जो उस संतानुबंध योजना करण परिणाम छोटे का करने की वहां शिक्षा वाला और वो स्थान आश्चर्य लगता है ऐसा फिर वो ज्ञान तीन लेना उस गुणश्रेणी निर्जय की निर्जय होती है तो क्या इतने परम है उस है हो रहे के परम सत्ता उसकी गुणश्रेणी बड़ी हो तो में जाने वाला द्रव्य गुना हो रहा है क्योंकि क्या क्या प्रोसेस अभी हमने देखा संघ प्रबोधन गुना हो रही है वो फिर रहे आदि आदि कंसिडर क्योंकि मुझे छठ सात उन वहां का जो होगा यहाँ शुद्धि परिणाम है यह गुणस्थानों केवल वितरकता की बात लेना है नहीं तो ये स्थान ही एक बार ग्यारहवें में वितरक और यहाँ तो विशाल होती है आपका प्रश्न का संबंध से है एट अ टाइम प्रोसेस बंद हो रहा है और हमने आकर्षण सबसे पहले से दूसरे से तीसरे से चौथे ज्यादा ज्यादा है ना केवल अब प्रमाण और उसमें इतना दिया जाता है आधार निश्चित से सारा कांड घर तो द्रव्य नहीं आ रहा है तो केवल वो बंद थोड़ी बात शरीर विशुद्धि जहाँ वहाँ स्पेसिफिक उस प्रकृति काम करती कि तीन नाम सर्व है तो करण में सर्व समय तो होगी संतानबंदी की भी हो जाए डायना भी हो जाए देना देना ऐसा नहीं कितनी में क्या ये होता है कुछ है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं यहाँ हमें बताई गई हाँ तो मंद करते हम केवल वहाँ राग देखते उनकी बात करते शुद्धि में मात्र की मंद नहीं, नहीं ले वहाँ तो ज्ञान की निर्मलता भी लेना है हमने पहले देखा था तो होता है तत्व ज्ञान निर्मलता भी लेना फिर वो ऊपर चारित्र संबंध निर्मलता नहीं वो बातें उसमें आ किसी ने था कुछ कि का क्या है कि तत्व ज्ञान गुण नमन हो रहा है गुण निर्मल है सम्यक तो श्रद्धा गुण है सहज निमित्त नैमित्त है उसका अपना कार्य अपने से हो रहा है
हमें जो अतिथि रूप जो सम्यक परिणमन वो अपने खुद पर पहले से ना जान तो श्रद्धा की तो ये जो जानना आगम का आत्मा रूप जानना दर्शन का पहला समय है वह आत्मानुभूति का पहला समय वहाँ ज्ञान का स्मृति रूप परिणाम है और श्रद्धा साधन रूप और समय रूप परिणाम है उनकी विशेषता से श्रद्धा पर्याय कैसे यानी श्रद्धा संबंधी ज्ञान पूरी क्योंकि गुणों का कार्य चल रहा है समय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चार तीनों की वहाँ हो रहा है ना अपने श्रद्धा गुण में श्रद्धा में होता है श्रद्धा स्वयं प्रमित होती है परंतु जहाँ ये कार्य ज्ञान ही तो होता है ज्ञान में कंफ्यूजन चल रहा है में जब तक नहीं है तो श्रद्धा पलट सकती है ये सहज ऐसा ही नैमित्तिक सत्य है क्योंकि दोनों का अविनाभाव है जहाँ आत्मा हुई ज्ञान जिसको कह रहे हैं में तो होता है अब ये अविनाभाव है व्याप्ति के बात है ऐसा है तो ये ऐसा ही दो गुणों में हम करके देखें क्योंकि हम सोच रहे हैं तो ये ज्ञान का कार्य श्रद्धा है परंतु तो एक है उसमें यहाँ ज्ञान की निर्मलता है वो अनुभूति होगी वहीं पर वो अपने आप पकड़े आत्मनिर्भूति बात हो जाएगी वहाँ क्योंकि अनुभूति तो ज्ञान की पर्याय है प्रतीत तो श्रद्धा पर्याय हुई तो अनुभूति क्यों हुई प्रश्न हो सकता है जिस समय हुआ आत्मा की भी हुई तो श्रद्धा से अनुभूति के ज्ञान से ये जो प्रश्न है सब एक साथ चल हुआ कैसे जाने हाँ यहाँ श्रद्धा परिवर्तन हो रहा है जाना अनुभूति पर है अनुभूति में आनंद आनंद का तो का वेदन तो ये हम पता चला कैसे जाना दर्शन लक्षण नहीं समझे गुण की ऐसे अगर हम पहचान तो ये समय का अपना लक्ष्य है तो श्रद्धा है जन ज्ञान के द्वारा कहेंगे अन्य गुण के द्वारा ने श्रद्धा गुण की पहचाना तो आत्मा की आत्मभूत अनात्मभूत नहीं हमने कहा कि वो जो टोना उसकी जो छतरी है वो होते लक्षण से ज्ञान कराए और किसी का उसका कहना आत्मभूत सम्यक है ये कैसे चला आनंद की अनुभूति या आनंद की तो ज्ञात है श्रद्धा गुण के ज्ञान की अनुभूति तो ज्ञात आकाश कैसी हुई की प्रति आनंद का अनुभव ये सब ध्यान भेद करते हैं एक बार गुणों के बाद उसकी तो इसका है उसकी गुणा की तो हो पना है वेदन सारी बात होती भी एक देख लेते हैं वेदक होता है बात हम ना ये विषय डायरेक्ट
देखेंगे, हमने तो देखा गिरना हो भी रुक जाए जो चीज तो इसको भी चार और फिर तो क्योंकि वहां पहले भी नहीं अनुसार्य है समय करना कर जाता है ली रही से होगी प्रति अनंत गुण वर्तन होते देख गलने शायद आगे जो बताया 31 दर्शन वह कम पर है निर्मल शंका है क्षय भाव से है अंत अंतर है उसी मनुष्य की चौथे सिद्ध पद चौथे को नहीं उल्टा समय के क्षय ठीक है एक समय कितने मार्ग इंद्र भगवान जनों करे मैं नहीं प्रथम अपने है